यूएस के आशीर्वाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान एक्सिस मजबूत होता जा रहा है, भारत को दोनों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप बांग्लादेश में देखें तो सीक्वेंस में कई इंडिया के लिए भारत के लिए चिंता बढ़ने वाली है, और अब समय आ गया है जब भारत को कुछ ना कुछ बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइज हैं बेहद मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन पाकिस्तान से ऑर्डर किया है दोस्तों, 3 ट्रांचेस में इसकी डिलीवरी होनी है सितंबर, बस कुछ दिनों में डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे कोई पहली बार थोड़ी है जो बांग्लादेश पाकिस्तान से एम्यूनिशन खरीद रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार जो डील है ये बहुत बड़ा है, नंबर्स हजारों में है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ये ऑर्डर दिया गया है। ये डिटेल्स जो मिलिट्री एक्सपोर्ट के हैं बांग्लादेश जो पाकिस्तान करने वाला है, ये एक लेटर मीडिया के हाथ लगा है जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर ने अपने अलग अलग डिवीजन हवेलियां संजवाल गढ़वाल इन सबको दिया है कि सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जल्दी से प्रोडक्शन स्टार्ट करें, क्योंकि हमको बस 3 महीने में हजारों हजारों राउंड्स ऑफ म्यूनिशन सप्लाई करना है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेकर दिसंबर तक में ये सप्लाई पूरी हो जानी चाहिए। इसमें 40,000 राउंड है म्यूनिशन के, 40 टन आरडीएक्स के विद वैक्स कंसिस्टेंसी सो दैट एक्सप्लोसिव बन सके, और प्रोजेक्टाइल ऑफ हाई इंटेंसिटी 2900 इन नंबर ऑर्डर पेश किया गया है। दोस्तों 2023 में नंबर कितना था जानते हैं? 12,000 राउंड ऑफ म्यूनिशन, तो उसकी तुलना में ये ऑर्डर कितना बड़ा है आप जरा सोच लीजिए। दोस्तों यहां पे ये अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो आर्टिलरीज हैं इनके लिए एम्यूनिशन सप्लाई किया जा रहा है। अगर आप आर्टिलरी देखें तो ये बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भी आपने देखा दोनों ही पार्टीज को किसकी कमी खल रही है? एम्यूनिशन की। किसके लिए? ये जो म्यूनिशन जाता है इन आर्टिलरीज में, इसी की कमी खल रही है। वो समझ रहे हैं वॉर सस्टेन करना है तो इसके ढेर सारे म्यूनिशन आपके पास होने चाहिए। दोस्तों यहां पे ये जो म्यूनिशन पाकिस्तान ने मांगा, बांग्लादेश ने मांगा है, वो 30 से 35 किलोमीटर तक फायर करने वाली आर्टिलरी गन्स में डाला जाएगा। बांग्लादेश दोस्तों 3 साइड से तो भारत से सराउंडेड है, चौथे साइड में बे ऑफ बंगाल है और एक छोटा सा बॉर्डर 271 किलोमीटर का म्यांमार से लगता है। तो लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान, और हिंदी में देखिए हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एस इंडियंस के, सडनली बांग्लादेश जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, दो कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक यूएसए का सपोर्ट है उसको, ठीक है। यूएस इतने सारे आर्टिलरी राउंड्स बांग्लादेश किसके लिए खरीद रहा है? जाहिर सी बात है न्यू दिल्ली यही सवाल पूछेगा कि आप किसके खिलाफ ये यूज करना चाह रहे हैं। 4096 किलोमीटर आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो गन पॉइंटेड है ये इंडिया के बॉर्डर पर ही होने वाला है, और आपके जो बायर भी हैं जिनसे आप खरीद भी रहे हैं वो भी एंटी इंडिया स्टैंस रखने वाले हैं, तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो करीबी है ये भी बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर 3 बार बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर से मिल चुके हैं, मोहम्मद यूनुस एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों यहाँ पे न्यूज ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी साइन करेंगे। दोस्तों यहाँ पे तस्वीर है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मुलाकात हुई है। मुलाकात तो क्या है, भारत के भी हाई कमिश्नर मिले हैं, लेकिन बार बार मुलाकात हो रही है और इस प्रकार से ऑर्डर पे ऑर्डर भी जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर में ट्रेड एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में साइन हो सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार की बात 2022 में अटलांटिक काउंसिल में आ गई थी, रिवाइटलाइजिंग पाकिस्तान बांग्लादेश ट्रेड कोऑपरेशन इन परस्यूट ऑफ अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अटलांटिक काउंसिल क्या है जानते हैं दोस्तों? ये यूएस गवर्नमेंट फंडेड थिंक टैंक है, बाई पार्टीजियन इसको सपोर्ट है, और इसके ऐसे एलिगेशन है कि इसमें जो काम करने वाले डायरेक्टर्स हैं वो CIA से ही आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा भी रिपोर्ट है, कई न्यूज में आ रहा है कि अभी जो टेलीग्राम को टारगेट किया गया इसकी कहानी भी 2 महीने पहले अटलांटिक काउंसिल से ही शुरू हुई थी। ये मेजर सेंसरशिप आम है यूएस रिजीम का, यूएस रिजीम के लिए काम भी करता है, और ये रिपोर्ट्स आई हैं जो ट्विटर फाइल्स में आया था सामने, उससे सामने आया। इसके सिवा शैलिन बर्जर ने जो टेस्टिमनी दिया था जुडिशियरी कमेटी को, उसके सामने भी एग्जैक्टली यही बात आई थी। तो अटलांटिक काउंसिल यूएस एस्टैब्लिशमेंट का एक, सबसे पहले तो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने जमाते इस्लामी पार्टी पर बैन हटा दिया है। दोस्तों जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि क्लियरली एंटी इंडिया स्टैंड रखती है। इतना ही नहीं, ये प्रो पाकिस्तान ओपनली है। कैसे है आपको मैं बताऊंगा, वो सारी चीजें देखेंगे, और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में 1971 में पाकिस्तान का साथ दे रही थी और उसके बाद भी शोक मना रही थी कि पाकिस्तान टूट गया। दोस्तों इतना ही नहीं, एक बड़ा न्यूज आ रहा है, बांग्लादेश ने हजारों राउंड्स ऑफ म्यूनिशन का सप्लाई पाकिस्तान से मंगवाया है। दोस्तों ये ऑर्डर बहुत बड़ा है। देश के इंटरिम गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जमाते इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ था वो हटा दिया। दोस्तों जमाते इस्लामी पे बैन अंडर एंटी टेररिज्म लॉ लगा था। जमाते इस्लामी दोस्तों इसके मिलियंस ऑफ सपोर्टर हैं बांग्लादेश में, और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी
बुरे, अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप देख लें, हर जगह आपको देखने मिलेगा जमाते इस्लामी पाकिस्तान में है, जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर का उनका एक फ्रंट है, वैसे ही जमाते इस्लामी से सिंपथाइजिंग ग्रुप्स इंडिया में भी आपको मिलते हैं। अब दोस्तों इनके जो मिलियंस ऑफ सपोर्टर्स हैं, इनको 2013 में बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने बैन किया था, कहा था कि ये पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते क्योंकि इनका जो चार्टर है वो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन में है, ये क्लियरली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संस्था है। हसीना की सरकार ने 1 अगस्त को आउटस्टर के, हसीना के जाने के बस 4 दिन पहले इसको बैन किया था, जब इन्होंने देखा कि इस्लामी छात्र शिविर का रोल है इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में। इस्लामी छात्र शिविर इसी जमाते इस्लामी का स्टूडेंट विंग है और उन्होंने ही पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया जिसके द्वारा शेख हसीना को देश छोड़ के निकलना पड़ा। जमाते इस्लामी दोस्तों कोई आज की संस्था नहीं है, 1941 में अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों के दौर में बना था दोस्तों ये। जब 1971 लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, तब ये पाकिस्तान के साइड में थे, पाकिस्तान के साइड में थे, और 1971 में टूटने के बाद ये रोना गाना मचाते थे कि कैसे हमारा पाकिस्तान हाय टूट गया, इतना प्यारा पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश अलग देश हो गया, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। दोस्तों दीज आर हार्ड कोर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पीपल। इसको हम वापस आएंगे, इस न्यूज को कनेक्ट करेंगे क्योंकि एक बड़ा न्यूज इसके साथ देखने मिल रहा है। क्या हुआ है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो टाइज हैं बेहद कम मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। एक एग्रीमेंट किया था बट ऑब्वियसली ग्राउंड पर कई सालों से कोई काम नहीं हुआ। अब जाके 2024 में जब इंडिया कई जगह फेंसिंग कंप्लीट कर रहा है बांग्लादेश बॉर्डर पे, तो बांग्लादेश के गाड़ा जाते हैं और कहते हैं नहीं यहाँ पे आप फेंसिंग नहीं कर सकते, तो बीच में ये भी प्रॉब्लम जारी है। और ऑब्वियसली सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल पार्टी है बांग्लादेश में जमाते इस्लामी, इस पर जो बैन लगा हुआ था सडनली ये बैन भी रिमूव कर दिया जा चुका है। तो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट्स है ना, बिल्कुल कुछ कंसर्न रेज करती है इंडिया के लिए। बट मिलिटरली अभी भी मैं कहूंगा बांग्लादेश की मिलिट्री, इनकी आर्मी कहीं से भी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इंडिया को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत पड़े कि यहां से क्या हो जाएगा, कल को पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश कोई 3 फ्रंट अटैक ना हो जाए यहां पर, उसके अभी चांसेस बहुत बहुत ज्यादा कम है। मेनली मुझको लग रहा है कि फ्यूचर में एक बांग्लादेश म्यांमार के बीच में स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट, अभी नहीं 2-3 सालों में, क्योंकि धीरे धीरे अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते रहेंगे, ये होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और आने वाले कुछ सालों में हमको ये भी देखना होगा कि जो नई गवर्नमेंट बन गई है बांग्लादेश में, क्या ये पाकिस्तान से ही वेपन्स परचेज करते रहेंगे या फिर शेख हसीना के अंडर इंडिया और बांग्लादेश की जो डिफेंस कोऑपरेशन है धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी, पॉसिबिलिटी लग रही थी कि बांग्लादेश में जो नीड है मिलिट्री हार्डवेयर की वो इंडिया पूरी कर सकता है, क्या अब ये गायब हो जाएगी? इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का बायर क्या जा चुका है, ये भी देखना होगा। याद रखिएगा 2023 का ये जो आर्टिकल है, इंडिया आइज बांग्लादेश एज ए मार्केट फॉर रेंज ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, बांग्लादेश को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत बड़ी डील एक और सामने आ गई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, ये है कि गोला बारूद पाकिस्तान से बहुत बड़ी मकदार में बांग्लादेश ने ऑर्डर किया है। क्या ये अपनी हिफाजत के लिए किया गया है या फिर भारत के लिए या भारत पर हमला करने के लिए किया गया है? दोस्तों बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहा है कि 3 महीनों में सारा गोला बारूद वो उसके हवाले करे जिसमें बहुत ज्यादा RDX है, उसके अलावा मिसाइल है और दोस्तों आर्टिलरी के गोला बारूद यानी छोटे मिसाइल भी मौजूद हैं जिनमें मॉर्टर आते हैं वो भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान के जो आर्डिनेंस फैक्ट्री की चीफ है उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया है कि 3 महीनों के अंदर अंदर सारा सामान तैयार करके बांग्लादेश के हवाले किया जाए। और बांग्लादेश ने इतनी जल्दी अपने डिफेंस को क्यों मजबूत किया है? दोस्तों दो वजूहत है, एक तो भारत के जो जनरल नरवणे हैं उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश पर मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। ये मिलिट्री स्ट्राइक एक तो बड़ी वार का आप कह सकते हैं जैसा कि रशिया और यूक्रेन में चल रही है वो भी हो सकती है, लेकिन उसकी चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर चांसेस जो हैं दोस्तों वो है सर्जिकल स्ट्राइक के, जैसे इन्होंने म्यांमार में घुसकर वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लोगों को मारा था, वैसा ही ये बांग्लादेश में करना चाहते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने पहले से ही तैयारी मजबूत कर दी है और कुछ दिनों से पाकिस्तान के एम्बेसडर 3 से 4 बार मोहम्मद यूनुस से भी मिल चुके हैं जिसमें ये वाज तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने वेपन डील के साथ साथ भारत को भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया होगा कि भारत के अगले प्लान क्या होंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ यहाँ पर कैसे खड़ा होगा। दोस्तों पाकिस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है, बेशक बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान से ही, लेकिन उसी के अगले साल यानी 1972 में पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जिसने OIC की बैठक बुलाई जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के सारे ममालिक आए थे। पाकिस्तान ने वहाँ पर एक करारदाद रखी थी कि आप सभी के सभी ममालिक बांग्लादेश को मंजूर कर लें एज अ कंट्री, तो बहुत से ममालिक अरब ममालिक ने बांग्लादेश को एज अ कंट्री नहीं माना हुआ था, तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट से सब ममालिक ने 1972 यानी बांग्लादेश बनने के एक साल बाद ही बांग्लादेश को एज अ कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सारा कुछ हुआ था सिर्फ उसे पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान को अगर नफरत होती तो पाकिस्तान फिर कहता ना बाकी ममालिक को कि आप भी ऐसा ना करें, लेकिन पाकिस्तान ने वहीं से ही दोस्ती का आगाज किया और आज देखेंगे दोस्ती इतनी मजबूत हो गई है कि दोनों मुल्क एक ही तस्वर हो रहे हैं और वहां की आवाम तो यहां तक कहती है कि हम रीयूनाइट होने के लिए भी तैयार है। दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा।